तो इंट्रो तो मेरा आपको पता चल ही गया होगा, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ना हम आज के लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो फिजिक्स से है। तो टॉपिक का नाम है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली उससे पहले है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को ब्रीफली मतलब छोटा सा लिखा हुआ, तो हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसमें यह है कि बस जो एडिशन में हमें पता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में एक्चुअली ये होता है कि जब हमें कहा गया कि ए वेक्टर, मिसाल के तौर पर वेक्टर ए में से हमने वेक्टर बी को माइनस करना है, तो हम सबसे पहले ना उसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, यानी हमने बी का नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव हम सिर्फ इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर उसकी डायरेक्शन इस तरह है ना, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये उसका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव लिखने का अंदाज इस तरह से कुछ। याद रहे कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। हाँ, अगर उसको नेगेटिव में बना के लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं, फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड मतलब कि वैसे भी नहीं कर सकते, तो हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता दूं पहले, एक लाइन है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन ईयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। उसके ये सेंटेंस जो है ना, हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को याद रखने के लिए करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो अभी रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। बुक में एक्चुअली इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखे, तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का जो लफ्जी मतलब होता है उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी सेपरेशन, सेपरेट करना। इसको कहते हैं कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रिवर्स प्रोसेस है। एडिशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम ऐड करके सिंगल बना देते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर गिवन होता है, लेकिन हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एफ वेक्टर ही है ना, तो हम उसके जी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लिया, यानी इसको ही स्प्लिट कर दिया इसमें से, ठीक है। तो अभी डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं। याद रहे कि हमारे इस लेवल पे हमारा कंसर्न सिर्फ टू डायमेंशनली है, सिर्फ दो डायमेंशन में ही हम बात करेंगे, यानी हम जी एक्सिस नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने एक्स एक्सिस बनाया और मैंने वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ट है, मतलब एक डायग्राम है, ग्राफ टाइप है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक वेक्टर है एफ, ठीक है। और उसकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी जो वेक्टर की लेंथ होती है ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका एरो रिप्रेजेंट करता है आखिर ये किस डायरेक्शन में, ठीक है। हमारे पास ये जो वेक्टर है उसका नाम है एफ, ठीक है। तो इसकी ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, इसकी ये जो प्रोजेक्शन है यानी उसकी परछाई जो एक्स एक्सिस की लाइन पर पड़ी है वो कितनी है, ठीक है। उसके लिए मैं उसके बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली, याद रहे कि परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाता है, यानी बिल्कुल ही मैंने स्ट्रेट लाइन जो है ना वो यहाँ तक ड्रॉ कर ली, जिसकी वजह से यहाँ पे याद रहे कि 90 का एंगल बनना चाहिए। अगर 90 का नहीं बन रहा तो वो गलत है, ठीक है। तो 90 का एंगल उसने बना दिया इसके साथ, ठीक है। तो उसके साथ इसकी परछाई अगर वाई एक्सिस पर पड़े, यानी इसकी प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस पर हो, तो वो इस तरह से मैंने ये भी रेड लाइंस में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूज, सबसे पहले बता दूंगा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। जिस राइट ट्राइंगल कहते हैं वो जिसमें 90 का एंगल हो, ठीक है। अब ये राइट ट्राइंगल इसमें ना 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। जिस राइट ट्राइंगल में 90 का एंगल बने और उसकी डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल ही वो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट हो, ठीक है। यानी अभी देखें ना, इसकी जो है ना बिल्कुल ही इसके सामने है, ये जो एंगल बन रहा है ना ये मैंने बनाया, देखो तो बिल्कुल इसके सामने वो एफ वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो एफ वेक्टर की लाइन है ना, ये यानी एफ वेक्टर इसका जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और उसके साथ अगर इधर भी देखें ना, तो बिल्कुल ये जो एंगल बन रहा है ना इसके बिल्कुल सामने देखे तो ये एफ वेक्टर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। उसके मुताबिक ये जो एफ वेक्टर है ना ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं वर्टिकल लाइन को, ठीक है। ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना ये हमारा परपेंडिकुलर है, और हमारा ये जो बेस है ना यानी एक्स एक्सिस है ये हमारा बेस है, ठीक है। नीचे वाला हॉरिजॉन्टल बेस, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला जो एफ है ना ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अगर हमें कहा जाए कि हमें ये इसका एंगल फाइंड आउट करना है, अच्छा रेजोल्यूशन की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रेजोल्यूशन यानी कि रिजॉल्व करना, ठीक है। उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो एक वेक्टर हमें गिवन है ना, उसकी हमने इसी तरह से प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री के एंगल पर। याद रहे कि ये जो हमारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ओ बी ए और सी, यानी कि ओ और बी जो है ना, ओ बी ओ सी, ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि बने हैं एफ वेक्टर से, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन में इससे ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस इतना हमें जेन में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए मैंने थीटा ड्रॉ किया और इसकी जो डायरेक्शन मैंने एरो भी लगाया। इसे बुक में काफ़ी कन्फ्यूजिंग लाइन लिखी हुई है, इन द एंटी क्लॉक वाइज सेंस। याद रहे कि क्लॉक वाइज होता है ऐसे इस डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक वाइज होता है ऐसे, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे वो इस तरह से कुछ, ये एक्स का पॉजिटिव, ये वाई का पॉजिटिव, फिर एक्स का नेगेटिव आ जाता, फिर वाई का नेगेटिव। उस लिहाज उसने कहा कि हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, यानी कि ऐसे जाना है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर हमें कहा गया कि हमें एफ एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, याद रहे कि मैग्नीट्यूड के लिए हम ना उस साइडों पे थोड़ी सी ना पैरेलल लाइंस टाइप लगा देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग कॉस थीटा जो है ना वो रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। हमारे पास बेस क्या है, एफ एक्स है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बेस होती है। हमारे पास बेस क्या है, एफ एक्स, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। तो उसके मुताबिक मैं वो जो वैल्यूज है इसमें पुट कर देता हूँ। बेस क्या है उसकी जगह मैंने लिख दिया एफ एक्स, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है एफ एफ, उसकी जगह मैंने ये लिख लिया। अभी नोटिस किया जाए तो एफ जो है ना वो नीचे डिवाइड हो रहा है, तो अगर उस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एफ एक्स को मैंने इस साइड में लिख लिया, तो एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से हम एफ एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो ना तो मैं ये सारा कुछ उधर, मतलब यही है ना, मैं कॉस को उधर भेजूंगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो फिर हम इसकी डायरेक्शन मतलब एंगल, डायरेक्शन एंगल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के साथ साइन थीटा, इसको हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं। साइन थीटा रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने बताया था कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है, एफ वाई, ठीक है। तो वो वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर है ना एफ वाई, ठीक है। वो जो मैग्नीट्यूड मैंने बताया लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज एफ, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट की तो आगे साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ, एफ को मैं फिर उस साइड पे ले गया, उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा एक्चुअली है क्या, अगर हमारे पास आ जाए कि हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्केयर जो है ना वो परपेंडिकुलर का स्केयर को अगर जमा करे बेस के स्केयर में, वो तो वो हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो उसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, एच से मैंने हाइपोटेन्यूज को शो किया, पी से परपेंडिकुलर को और बी से बेस को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने ज़हन में रखना है। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज वो हमें पता है एफ है, याद रहे हम इसको फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मोस्टली ना भी करें तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास एफ वाई का स्केयर और बेस है एफ एक्स का स्केयर, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ स्केयर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड्स पे, तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर एफ वाई स्केयर, ठीक है, एंड रूट। इस तरह से हम जो है वो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। याद रहे कि अच्छा मैंने वो थोड़ा इधर उधर किया, वो आप लोग भी कर सकते हो, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, याद रहे कि हमारा कंसर्न सिर्फ टू डायमेंशनली, अगर थ्री डायमेंशनली होगा ना तो इसमें तीसरा एक्सिस भी आ जाएगा, तो हम लिख देंगे प्लस एफ जी स्केयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।